जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में उत्तराखंड के एक परिवार से 2 महीने में दूसरा बेटा छिन गया। परिवार का 33 साल का बेटा जो भारतीय सेना में मेजर था वो 30 अप्रैल को लेह में शहीद हुआ। परिवार इस दुख से उभरने के लिए संघर्ष कर ही रहा था कि सोमवार को चचेरे भाई 26 साल के आदर्श नेगी आतंकी हमले में शहीद हो गए। आदर्श के चाचा सेना में राइफलमैन रहे हैं। चाचा बलवंत सिंह नेगी ने कहा कि हमने 2 महीने में 2 बेटों को खो दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। सेना में नौकरी बहुत मेहनत से मिलती है। गढ़वाल और कुमाऊं से देश की सेवा के लिए जाने वाले बच्चे अक्सर शहीद होकर लौटते हैं। इससे पूरा परिवार टूट जाता है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के थाती डांगर गांव के निवासी चाचा बलवंत सिंह नेगी ने कहा कि अभी 2 महीने पहले हमने एक बेटे को खो दिया था। अब जम्मू कश्मीर में एक काफिले पर आतंकी हमले में पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के 5 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें आदर्श नेगी भी शहीद हुए हैं। आदर्श ने 2018 में गढ़वाल राइफल्स ज्वाइन की थी। चाचा बलवंत बताते हैं कि आदर्श बहुत तेज बच्चा था। आदर्श हमेशा बहुत फिट रहते थे, जिससे उन्हें सेना में नौकरी मिल गई और अब उन्होंने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया है।